अबरूल नगर की मुख्य सड़क का सीवरेज ब्लॉक होने से लोगों में परेशानी का सबब बना हुआ है, जिनका कहना है कि इतने लंबे समय से ब्लॉक हुए इस सीवरेज की ओर नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते बरसात में हालात और भी कई खराब हो जाते हैं। अतः उनका कहना है कि निगम जल्दी से इसका कोई व्यवस्थित इलाज करे। समस्या तो बरसात काम रहाफ्लो है, लोगों मजाक ना फुहारा चौंक बनाया सीवरेज ढकन भी उठ पर हट जाता है, हालात देख ही रहो जो बारिश नहीं भी पैन दी तो भी यही हाल है। ये शुरू तो स्टार्टिंग जी अगों सीवरेज बंद है सारा इतें ही है, निकासी इतें ही होंगी है। साडा जोड़ा दीवार है एक चार नंबर पैंता है तीन पैंता एम सी की अपनी लड़ाई रही है, तेरी वार्ड है मेरी वार्ड है साझा काम जरा इधर ओल है एम सी इधर हैप्पी है वोटी साझे काम से कोई भी करके राजी नहीं, तो सानू तकलीफ बड़ी है मक्खी मच्छर बड़ा इतने यही करते हैं भी इन्होंने ठीक कर अगों सीवरेज खिलान जो पानी अगे निकल जाए कितने घट्टो घट छे या सत्त साल की है जो तो यह सीवरेज दाइपा पाइया उस तो बाद लीकेज शुरू हो गई है, इस तो पहला कोई लीकेज नहीं, तो इतने इन्ना बुरा हाल है कि बदबू आती है तो साढ़ा इतने महल से रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जल्दी तो जल्दी ये हमारी समस्या हल कर जी कृपालता करो, अं अपने व्डे तो व्डे अफसर भी कह चुके हैं यह समस्या का हल नहीं कोई भी कर पा रही। एम सी नाल हुई ही गलबात वो भी कह देंगे कि कोई नहीं हो जाएगी समस्या हल हो जाएगी, वो गड्डिया आदि थोड़ा बहुत करके चल जाए समस्या उत्थे दी उत्थे ही है। जो देखो पानी बरसात बंद है फिर देखो कि पानी चल रहा है, तो जो बरसात आती है तो पानी दुकान तक अंदर चल जाए ये हल कराओ कोई पहले ठीक ही है, जो एम सी ठीक ठूक कराया उस बाद लीकिंग हो गई है ठीक होया नहीं तो की मांग करते प्रशासन अभी तो प्रशासन ये कहने हल करो कोई पानी का निस्तार करना।